नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन में अडोर्नो की साहित्य दृष्टि पर विचार करेंगे। अडोर्नो मूलतः एक समाजशास्त्री थे और उन्होंने साहित्य और अन्य विषयों पर भी बहुत सारी नई और मौलिक बातें कही, जिनका बहुत प्रभाव पड़ा था। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अडोर्नो की साहित्य की दृष्टि में इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अडोर्नो की दृष्टि में साहित्य का परिचय जान सकेंगे। अडोर्नो की साहित्य दृष्टि के निर्माण की सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियां समझ सकेंगे। अडोर्नो की साहित्य दृष्टि की प्रमुख अवधारणाओं से रूबरू हो सकेंगे और साहित्य के संदर्भ में अंतर्द्वंद्वात्मकता जान सकेंगे। थियोडोर डब्ल्यू अडोर्नो का जन्म 11 सितंबर 1903 को जर्मनी में हुआ और ये आरंभिक 3 दशकों तक जर्मनी में रहे। बाद में 1934 में ये अमेरिका चले गए और 2 दशकों तक लगभग ये अमेरिका में रहे और 1949 में वापस आए। ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के बड़े महत्वपूर्ण चिंतक माने जाते हैं और इनका जो संबंध है वो नव वामपंथी चिंतन से माना जाता है। नव वामपंथी चिंतक वो चिंतक माने जाते हैं जो मार्क्सवाद का आधार लेकर के और फिर मार्क्सवाद के कुछ मान्यताओं का खंडन करके, कुछ अपनी मान्यताएं जोड़ करके, तब अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टि को रखते हैं। वो लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल के नव वामपंथी ये कहलाते हैं। मार्क्स के साथ ये होर्कहाइमर से भी एक दार्शनिक से परिचय इनका हुआ और ये उससे प्रभावित हुए, तो इन दोनों चिंतकों के विचारों को इन्होंने मिलाया। ये दर्शन के विद्यार्थी थे, समाजशास्त्र के विद्यार्थी थे और विशेष रूप से संगीत के विद्यार्थी थे। इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो यहूदी थी। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जर्मनी में अगर आप द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास या उस समय में आप थे तो आप जर्मन थे वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहूदी थे तो उसका एक अलग अर्थ होता है। तो यहूदी पृष्ठभूमि के कारण नाजी जर्मनी ने इनको निकाल दिया था। फ्रैंकफर्ट स्कूल में काम कर रहे थे, वहाँ से निकाल दिया, फिर ये अमेरिका गए। वहाँ जब शीत युद्ध का प्रभाव हुआ तो अमेरिका में भी ये ज़्यादा आराम से नहीं रह पाए। तो एक तरह से कहना चाहिए कि हर जगह ये विवाद में, चिंतन में, दबाव के अंदर उनका जीवन गुजरा और इस दबाव को उन्होंने अपने साहित्य संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से हमारे सामने रखा। तो एक तरह के बड़े जटिल दार्शनिक माने जाते हैं, जटिल चिंतक माने जाते हैं और इस अर्थ में वो अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति में विश्वास करने वाले हैं। उनका जो चिंतन है किसी एक अनुशासन से जुड़ा हुआ नहीं, इसलिए वो बहुत सारी चीजों को जानते समझते थे और उसका प्रभाव भी बहुत सारी चीजों पर पड़ा। सौंदर्य शास्त्र पर प्रभाव पड़ा, मीडिया का उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृति का अध्ययन किया और जैसा हमने जिक्र किया समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का तो अध्ययन किया ही था, वो विधिवत विद्यार्थी थे। तो एक तरह से उनकी एक उन्होंने इन सब को मिला करके एक निगेटिव डायलेक्टिक्स नाम का एक नया सिद्धांत भी अडोर्नो ने हमारे सामने दिया। साहित्य की उनकी दृष्टि है उसको जानने के लिए कुछ मूलभूत मान्यताओं के आधार पर हमें उन्हें साहित्य की दृष्टि को जानना चाहिए। अगर सूत्र रूप में कहा जाए कि अडोर्नो के अनुसार साहित्य क्या होता है, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि वो प्लेटो और अरस्तु के अनुसार साहित्य जो अनुकरण होता है उसी तरह से, या जो रोमांटिक जो साहित्यकार थे वो कहते हैं कि साहित्य कल्पना होता है, कल्पना की ऊंची उड़ान होती है आदि आदि, आत्मा अभिव्यक्ति होती है, या कुछ का कुछ वो अर्थ हर एक चिंतक विचार करते हैं। किसी भी विचार चिंतक को जानने का सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये होता है कि साहित्य क्या होता। तो इन्होंने कहा साहित्य व्यापक संस्कृति का एक जरूरी अंग होता है। पहली बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि साहित्य अपने में स्वतंत्र नहीं, अपने में अलग नहीं, जो पूरे समाज की संस्कृति है उस संस्कृति के अंदर जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों के साथ एक साहित्य भी होता है, इसलिए साहित्य उसका अंग है, साहित्य उससे अलग नहीं है। वो पूरे समाज के उस चिंतन विचार से जुड़ा हुआ है, वो संगीत से जुड़ा हुआ है, नृत्य से जुड़ा हुआ है, वो बाजार से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ों से वो जुड़ा हुआ है और सारे सांस्कृतिक प्रक्रिया का अंग है। पहली बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अन्य सांस्कृतिक उत्पादों की तरह साहित्य भी एक सृजन उत्पाद है। अब ये जो संस्कृति की जो चीज़ें होती है, ये संस्कृति की चीज़ों का जो संस्कृति कर्मी है वो निर्माण करते हैं और लेखक कहते हैं हम तो सृजन करते हैं,
हम अभिव्यक्त करते हैं, हम उसके अंदर अपनी बातें कहते हैं। यहाँ पर अडोर्नो ने एक नई बात कही, और जो और भी समाजशास्त्री कहते हैं कि ये एक अन्य सांस्कृतिक उत्पादों की तरह ये भी एक तरह का सृजन उत्पाद है, ये एक सामान है, एक उत्पाद है। उत्पाद वो चीज़ होती है जिसको आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो, जिसका निर्माण किया जा सकता है। जैसे जूता एक उत्पाद है, आप जूते बना दो बहुत सारे, उसी तरह आप साहित्य भी बना दो, जैसे धारावाहिक आप बहुत सारे बना दो। तो उसने कहा कि ये साहित्य जो है ये उत्पाद है, आप इसके बारे में कोई रूमानी कल्पना ना करें कृपया, क्योंकि ये बेचने खरीदने की चीज़ हो गई है, क्योंकि ये उत्पाद है। और जब उत्पाद है तो उसमें लेखक के आधार पर आप उसको नहीं देख सकते, लेखक ने अपनी कुछ बातें कही है इसलिए साहित्य, ऐसा नहीं है। उत्पाद है तो जिसके कुछ नियम है, जिसमें चीज़ें पैदा होती है, कारखाना बना होता है जहाँ पर चीज़ें बनती है, तो एक साहित्य का भी एक कारखाना, ये एक महत्वपूर्ण। और इसलिए अगली बात उन्होंने ये कही कि अन्य सांस्कृतिक उत्पादों की तरह साहित्यिक कृतियां भी संस्कृति उद्योग की आयात वस्तुएं हैं। यहाँ पर अडोर्नो ने एक नई बात कही कि कल्चरल इंडस्ट्री जिसको कहता है, वो साहित्य उद्योग सांस्कृतिक उद्योग है। संस्कृति भी में भी उद्योग में आप पैसा लगाते हो, उद्योग में आप फायदा लेते हो, उसका एक नफा नुकसान का एक गणित होता है। तो ये साहित्य भी इसी तरह का, एक प्रकाशक होता है, इसका प्रकाशन तंत्र होता है, फिर आपको कमीशन देते हैं, फिर आपको किताबें खरीदी जाती है, फिर आपको किताबें बेची जाती। जब उत्पाद है और जब चीज़ें आपको बेचनी है, तब आप एक तरह से आवश्यकता पैदा करते हैं कि आप इस तरह का साहित्य लिखो, क्योंकि इसी तरह का साहित्य बिकता है। तो जो बिकता है वैसा आपको लिखना चाहिए। तो जैसा कैसा लिखना चाहिए, जो हम लिखते हैं वो बिके ऐसा नहीं होता, वरन जैसा बिके वैसा आप लिखो। तो इस तरह से उत्पाद में जो उत्पादक जो सामग्री है वो अपने बेचने के लिए जगह बनाती है, और इसलिए ये एक तरह की उत्पादित वस्तु है, ये कोई कलात्मक संरचना नहीं है। और इसलिए इसमें हर उत्पाद की तरह इसमें भी नकली उत्पादन होता है, इसमें के अंदर भी कोई सारी चीज़ें कलात्मक और महत्वपूर्ण नहीं होती। अडोर्नो इसका भी खंडन करता है और वो कहता है कि एक ज़रूरत पैदा कर दी जाती है, लोग ऐसा ही सुनना चाहते हैं, लोग ऐसा ही देखना चाहते हैं। ध्यान रखें कि अडोर्नो मीडिया के और संगीत के विशेषज्ञ थे, और मीडिया में जब खबर भी एक उत्पाद है, जब खबर को भी एक बेचना है, तो कृति को भी एक बेचना है। तो कृति जो संगीत की, मीडिया की और आधुनिक संस्कृति की, ये उत्पाद की तरह का एक समान है, और जिसमें बड़ी पूंजी का निवेश होता है और इसका बड़ा प्रतिफलन होता है। और इसका एक शास्त्र है, इसका एक समाज विज्ञान है, इसका एक समाज शास्त्र है, जिसकी तरफ, और इसका एक अर्थतंत्र भी, जिसकी तरफ अडोर्नो ने हमको ध्यान दिया। फिर उन्होंने कहा कि इन उत्पाद आयातों का निर्माण साहित्य की अपनी परंपराओं के भीतर न होकर सामाजिक जरूरतों के दबाव से होता है, ऐसा दबाव समाज शास्त्रीय अंतर क्रियाएं पैदा करता। अब ये जो उत्पाद है, जो साहित्य का उत्पाद है, इसका निर्माण ये कैसे रचता, इसका इसलिए जानबूझ करके अडोर्नो निर्माण शब्द का प्रयोग करता, रचना शब्द का प्रयोग नहीं करता। इसका जो निर्माण होता है वो साहित्य की अपनी परंपरा में नहीं होता कि आपने इस तरह का उपन्यास लिखा तो अब हमको दूसरे तरह के उपन्यास लिखने की जरूरत है, या आपने दूसरे तरह का उपन्यास लिखा तो हमें तीसरे तरह की जरूरत है, हमको नाटक इस तरह से लिखना चाहिए। तो इस पुरानी जो परंपरा होती है साहित्य की, उसके आधार पर नहीं होता, वरन सामाजिक जरूरतों के हिसाब से। समाज को क्या चाहिए, समाज को इस समय मनोरंजक प्रदान जासूसी कथाएं चाहिए, तो आप जासूसी कथाएं लिखो, हम आपको पहले ही पेमेंट कर देते हैं और आपको आपका रॉयल्टी का भुगतान हो जाता है, और आप किताब लिख दो तो वैसी किताब लिखोगे छप जाएगी, वैसी नहीं लिखोगे तो छपेगी ही नहीं। तो ये जो लाभ केंद्रित जो पूंजीवादी उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था है, इसका दखल साहित्य के सृजन में हो गया, इसलिए साहित्य का सृजन साहित्यिक कारणों से नहीं होता, सामाजिक कारणों से होता है। और जब सामाजिक कारणों से होता है तब वो सामाजिक अंतर क्रियाएँ पैदा करता है, फिर समाज में वैसी वैसी घटनाएं होने लगती है। जब हम मीडिया में, धारावाहिकों में, या दूरदर्शन के या समाचार पत्रों में, समाचारों में जब हम देखते हैं किसी तरह की घटना घटित होती हुई, या सिनेमा के अंदर देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद में कई बार जो अनैतिक गतिविधियाँ, असामाजिक गतिविधियाँ होती है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैंने फलां फिल्म देख करके और मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इस तरह से इस अनैतिक कार्य को अंजाम दे सकता हूँ। तो वो जो अंत्येक्रिया जो पैदा हुई वो एक नकली
एक आयातित एक सामाजिक जरूरतों के हिसाब से एक चीज पैदा हुई और उसका जो प्रभाव है वो उस रूप में हमारे सामने आता है। तो अडोर्नो ने इसके बारे में भी कहा कि ये चूंकि सामाजिक जरूरतों से पैदा होता है इसलिए सामाजिक अंतर वो प्रभाव उत्पन्न करता। फिर समाजशास्त्रीय अंतर क्रियाओं से के दबाव से पैदा हुए इस उत्पाद में साहित्य की अंतर वस्तु भी सामाजिक होती। अब साहित्य का जो अपना कंटेंट है, अपनी जो अंतर वस्तु वो विषय वस्तु है, वो भी साहित्य की अपनी नहीं होती, साहित्यिक नहीं होती, वो सामाजिक होती है। समाज में किस तरह का वातावरण, किस तरह की चीज़ें चलती है, हमको उस तरह का की कथा हमको कहनी। तो समाज में जो स्वीकृत है, समाज में जो मान्य है, समाज को जो ठीक लगता है, और समाज को जो ठीक लगता है वो जो प्रकाशक को ठीक लगता है, तो उस तरह से वो जो समाजशास्त्रीय जो अंतर क्रियाएँ हैं उस अंतर क्रियाओं के कारण ये उत्पाद खरीदा और बिका जाता। फिर उन्होंने कहा सामाजिक अंतर वस्तु वाले सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में साहित्य की व्याख्या भी एक कृति आधारित समाजशास्त्रीय इकाई की तरह की जानी चाहिए। अब इसकी जो व्याख्या है वो साहित्यिक कृति की तरह से नहीं करनी चाहिए बल्कि समाजशास्त्रीय इकाई की तरह करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का उत्पाद है। ये पूरा का पूरा जो ढांचा अडोर्नो ने हमारे सामने रखा ये बहुत महत्वपूर्ण अपने ढंग का है, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि साहित्य व्यापक रूप से संस्कृति उद्योग का हिस्सा है और उद्योग की अनिवार्यताओं के अनुसार वो चलता है। इसलिए इसके अंदर पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद, आधुनिक पूंजीवाद, जो भी आप उसका नाम दें, तो उपनिवेशवाद, जितने तरह का जो ये वित्तीय पूंजी का जो शासन है, इस सब का दबाव हमारे साहित्य और संगीत पर भी पड़ता है। एक और बात, चूंकि ये एक तरह का सांस्कृतिक उत्पाद है और ये उत्पाद जो है उपभोग के लिए किया जाता है, इसलिए इससे किसी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक क्रांति की उम्मीद करना कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करना हुआ, और इसलिए अडोर्नो इसमें नहीं मानते कि साहित्य में किसी प्रकार से कोई वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर सकता। इसके आधार पर अडोर्नो ने कहा कि हमें साहित्य को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि लेखक ने उसमें क्या कहना चाहा या लेखक क्या कहना चाहता, नहीं इस रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में देखना चाहिए कि एक आयात वस्तु में बदलने की प्रक्रिया में वे अंतर वस्तु किस रूप में संस्कृति उद्योग के उत्पाद के सांचों या मॉडलों में ढल गया है। ऐसा देखने पर हम साहित्य के भीतर समाज के वास्तविक तनावों व अंतर्विरोधों को कृतियों के अंतर्विरोधों की शक्ल लेते हुए देख दिखा सकते हैं। मूल चीज़ ये है कि लेखक ने जो कहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, कि लेखक ने जो भी कहा है वो किस तरह से समाज का जो सांचा है, जो ढांचा है संस्कृति उद्योग का, संस्कृति उद्योग में जिस तरह की कृति चाहिए होती उस तरह की कृति में वो साहित्य कैसे ढलता है, आपके पास वो किस तरह से आता है, उसकी कथा में कैसे कैसे मोड़ आते हैं और उस मोड़ में उस संस्कृति उद्योग का क्या दखल है। इसलिए उन्होंने आधुनिकतावादी साहित्य चिंतन से पूंजीवाद को महान प्रजातांत्रिक क्रांति का आधार मानने वाले जो चिंतक थे वो इसे मानव जाति की वैज्ञानिक सोच के रूप में बड़ी अहमियत देते थे साहित्य में। वे इसे मानव जाति की परंपरा से होने वाली मुक्ति के रूप में देखते थे। उन्हें लगता था कि प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक सोच ने ये मुमकिन बनाया कि हर नागरिक को वे आज़ादी दी जा सकती है जो उसे एक अस्मिता या व्यक्तित्व देगी। यहाँ तक तो ठीक है। खुद विचारकों ने ये कहा है कि ये जो समाज आने वाला होगा इसमें जो व्यक्तित्व है मनुष्य का वो स्वाभाविक और वास्तविक रूप में एक व्यक्तित्व होगा और जो उसकी भीतरी चेतना से जागृत होगा। यहाँ अडोर्नो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व भी एक तरह का छांचे में ढला हुआ एक नकली व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, वो वास्तविक व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि वो एक उद्योग की आवश्यकता के रूप में निर्मित हुआ, एक सांचे में ढला हुआ हमारे सामने आता है। इसलिए ये सांचा बहुत ज़रूरी है, इस सांचे को देखना चाहिए। अडोर्नो स्वयं एक बहुत बड़े संगीतकार थे और संगीत की उनको बड़ी गहरी जानकारी थी और विशेष रूप से पश्चिम के शास्त्रीय संगीत के वो जानकार थे, और जब उन्होंने ये देखा कि ये जो संगीत
है, इस शास्त्रीय संगीत को मीडिया ने और संस्कृति उद्योग ने किस तरह से विकृत किया है और किस तरह से एक राग दूसरी राग में मिला करके और नए तरह की रागों की एक सृष्टि उन्होंने कर दी और इस तरह से एक लोकप्रिय रूप संगीत का जो हमारे सामने आता है और जिसका टेलीविज़न में और रेडियो में और दूसरी जगहों पर जो सुनाई दिया जाता है, सिनेमा के अंदर सुनाई दिया जाता है, संगीत का बहुत व्यावसायिक उपयोग हुआ और संगीत बहुत ही शास्त्रीय कला है, उसके नियम बड़े निश्चित और गहरे हैं। जब उसको कोई ढाल सकता है एक उत्पाद के रूप में और उसको बेचा जा सकता है तो अडोर्नो को लगता है कि किसी को भी बेचा जा सकता है। और इसलिए ये जो खिचड़ी संगीत है, ये जो मिश्रित संगीत है, ये जो संकर संगीत है, जिसमें मूल संगीत की जो आत्मा है वो आत्मा एक बिकाऊ सामग्री के रूप में बदल जाती है, इसको अडोर्नो ने महसूस किया और इसके ही विश्लेषण किया। और इसलिए ये जो उत्तर आधुनिक संस्कृति है इसको उन्होंने कहा कि एक तो एक तरह की खिचड़ी संस्कृति है, ये सब में मिलजुल कर कहा जाता है। तो उनको लगता है, अडोर्नो को लगता है कि अब शुद्ध कला का कोई जमाना नहीं रहा, शुद्ध कला की संभावना ही इस उत्तर पूंजीवाद में या हमारे ज़माने में नहीं है, इसमें तो सब चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। और परिवर्तन हम देखते हैं कि किस तरह एक साहित्यिक कलाकृति जब टेलीविज़न पे आती है और जब वो उसके अंदर उसके रूपों में जब परिवर्तन होता है तो कैसे बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें से कुछ अर्थ डाल दिया जाता है, कुछ नई चीज़ें डाल दी जाती है जिनको माना जाता है कि दर्शक देखना चाहता है। यहाँ पर अडोर्नो ने एक और बात कही कि दर्शक क्या जानना चाहता है, दर्शक तो वो जानना चाहता है जो आप दिखाना चाहते हो और जो आप दिखाना चाहते हो उसको आप दर्शकों के नाम से दिखाते हो। तो इस तरह ये जो उपभोक्ता जो संस्कृति है ये जानबूझ करके नकली उपभोक्ता पैदा करती है और फिर उसके आधार पर उस माल का निर्माण होता है। तो पूरा ये जो हमारा क्रियाकर्म का जो ढांचा है साहित्य संस्कृति और कला का, ये एक बिकाऊ सामग्री की तरह से हमारे सामने आता है और जिसका सर्वोत्तम उदाहरण अडोर्नो ने संगीत का दिया, जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। लेकिन साहित्य भी इससे अछूता नहीं है, साहित्य में भी उस लोकप्रियता का, उस व्यापार का, उस उद्योग का बड़ा भारी असर है जिसकी तरफ इन्होंने जिक्र किया। इस तरह कला वस्तुओं के भीतर भी एक खास तरह का अंतर्द्वंद्व चलता है, जिसको मार्क्स ने कहा कि मुख्य अंतर्विरोध एक समाज का होता है और उसके बाद में छोटे छोटे अंतर्विरोध होते हैं। अडोर्नो ने कहा कि नहीं, मुख्य अंतर्विरोध समाज के अंदर तो जो होते होंगे, लेकिन कला के अंदर अपने भीतर के ही कुछ अंतर्विरोध होते हैं, उन अंतर्विरोधों से कला चलती, इसलिए एक ही तरह की बात नहीं होती, दो विरोधी विचार वहाँ टकराते हुए दिखाई देते हैं, भले ही ये जो टकराहट है ये वास्तविक नहीं हो, तो लेकिन एक छद्म युद्ध, एक छद्म अंतर्विरोध आपको उस कलाकृति के भीतर दिखाई देता है। इसलिए कलाकृति किसी एक ही अर्थ को स्थापित नहीं करती, अलग अलग स्तरों को के अर्थ को स्थापित करती है, क्योंकि वही बिकाऊ है, वही आसानी से बिक सकता है, क्योंकि वो एक तरह का उत्पाद बनने की प्रक्रिया में उसका जो एक अर्थ है उस एक अर्थ को बहुलार्थी बहु अर्थों के अंदर समाहित कर दिया जाता है। इसका आप ये भी अर्थ कर सकते हो, इसका आप ये भी अर्थ कर सकते हो। ये जो बहुलतावादी जो अर्थ है ये इस सांस्कृतिक उत्पाद के कारण संभव होता है, अन्यथा ये इसमें संभव नहीं है। और इसलिए ये जो साहित्य है ये लेख की उत्पाद नहीं है, लेखक का उत्पाद तो कहने के लिए है, वो दरअसल सामाजिक उत्पाद है, सब लोग मिलजुल करके उसका निर्माण करते हैं और इसमें दूसरे लोगों की भी बड़ी भूमिका होती है। और इसको सिनेमा और दूसरी कलाओं के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह यांत्रिक कलाएं यंत्रों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए एक वस्तु बन गया, एक चीज़ बन गया, एक सामान बन गया। और सामान में अगर एक व्यक्ति आया और उसने कहा नहीं नहीं ये वाला कोना है ये ठीक नहीं, और लेखक भले ही कहना चाहता कि नहीं मैं इसके में है ना एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं कह सकता क्योंकि कहता है नहीं बाज़ार में इसकी बहुत ज़रूरत है। नायक नायिका को अंत में मिलना होता है हिंदी फिल्मों में, इसलिए अंत में कथा को जो है ना मोड़ दे दिया जाता है। इतने उसके बावजूद वो क्यों मोड़ दिया जाता, वो इसलिए मोड़ दिया जाता है कि अडोर्नो के अनुसार वो एक प्रकार की चीज़ है, बेच रहे हो और ग्राहक को ऐसी ही चीज़ें पसंद है और इसलिए हमको कोई खतरा मोल नहीं लेना, क्योंकि उसमें हमारा बहुत रुपया लगा, जब बहुत रुपया लगा है तब उस रुपये की वापस वसूली प्राप्त करने के लिए उस वस्तु में तोड़ फोड़ करके हम सामने रखते हैं। अब अडोर्नो ने एक और बात कही
कि ये एक तरह से मनुष्य अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करता, हम हमारी अस्मिता की पहचान करते हैं। तो ये जो अस्मिता की जो पहचान है, इस पर भी अडोर्नो का कहना है कि कई बार ये अस्मिता वास्तविक अस्मिता होती है और कई बार छद्म अस्मिता होती है। कई बार हम एक तरह की अस्मिता लेखन में करते हैं, दूसरे तरह का हम जीवन जीते हैं। वो जो हमारा जीवन है, उस जीवन से हमारे प्रचार वाली अस्मिता का कोई रिश्ता नहीं। तो जब उसमें कोई रिश्ता नहीं होता, तब उसकी तरफ अडोर्नो का कहना यह है कि ये चूंकि सामाजिक उत्पादन है, ये बाजार का उत्पादन है, इसलिए इसमें आई हुई जो अस्मिताएं हैं वो अस्मिताएं भी छद्म अस्मिताएं। इसी तरह से वो उपभोक्ता रुचियों का भी मानकीकरण करते हैं। आपके जो उपभोक्ता की जो रुचि है वो एक खास तरह की रुचि है। ये रुचि बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए वो कहते हैं कि उपभोक्ताओं की रुचियों का मानकीकरण, या जिसको कहना चाहिए ब्रांड मूल्य, एक चीज़ इतनी आइकन की तरह इतनी बड़ी हो जाए कि वो जो कहे वही सही है, सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ ये है। अब ये जो श्रेष्ठता का निर्धारण है, जो बाजार में ब्रांड का जो निर्धारण है, मानकीकरण का जो निर्धारण है, जो ग्रेड जो दिया जाता है कि ये इतना ये श्रेष्ठ, ये बाजार तय करता है। और बाजार के तय करने के कारण सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियाँ कभी भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जो स्वीकृत कला, ये जो संस्कृति है, जो बाजार की संस्कृति है और जो संस्कृति के बाजार का नियंता है, वो उपभोक्ताओं की रुचियों की का मानकीकरण करते हैं। इसलिए उनका ये कहना यह है कि हम युग की मानसिकताओं का उत्पाद करते हैं। लोगों को क्या पसंद आए, इसका हम तय करेंगे कि आपको इस तरह की चीज़ें पसंद आनी चाहिए। और इसी के साथ मनुष्य अपनी अस्मिता की खोज के लिए भी संघर्ष करता है कि मेरी पहचान ऐसी, मैं इस तरह के वस्त्र पहनूं, ये मेरी पहचान, इस तरह की चीज़ों को मैं पसंद करूं, ये मेरी पहचान। मनुष्य की जो पहचान है, ये पहचान का ये जो अस्मिता वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा भी अडोर्नो ने कहा कि ये संस्कृति उद्योग तय करता। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बाजार में अच्छे बुरे, खरे खोटे, श्रेष्ठ निकृष्ट आदि के मानक स्वयं बाजार खड़ा करता, और इसी को वो कहते हैं ये ब्रांड वैल्यू। लोग प्रचारवश इन मानकों के आधार पर जीते वे श्रेष्ठता के स्तरों के बाबत फैसले करते हैं। मानकीकरण की ये व्यवस्था छद्म अस्मिताएं पैदा करती है। अडोर्नो ने इसे समझाया कि लोगों को लगता है कि बाजार के सारे उत्पाद खास तौर पर उन्हीं के लिए बाजार में लाए गए हैं, इससे उन्हें अस्मिता से युक्त होने का छद्म आभास होता है और वे इसी भ्रम की छवि के साथ जीने लगते हैं। ये जो मनुष्य के मन की जो चेतना है कि किस तरह से बाजार मानकीकृत करता है कि ये चीज़ें श्रेष्ठ है, इस संगीत को सुनना ये हमारी आधुनिक रुचि के अनुकूल है, इस तरह का साहित्य है वो श्रेष्ठ है, साहित्यकार को ऐसे रहना चाहिए, संगीत को ऐसे रहना चाहिए। और बाजार की जैसे दूसरी चीज़ों में होता है, दूसरे सामान में होता है, उसका भी एक श्रेष्ठता का एक मापदंड होता है। आप जितने रुपया खर्च करोगे, जितने पैसे खर्च करोगे, उसी के हिसाब से आपको श्रेष्ठतम चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बहुत अच्छे, बहुत सबसे आप धनी हो और सबसे अधिक आपकी रुचियाँ समृद्ध है, तो आप एक विशेष तरह की चीज़ें आप पसंद करोगे, विशेष तरह की आप गाड़ी होएगी, या विशेष तरह का फोन होएगा, विशेष तरह की क्या का आपका सामान होएगा, विशेष तरह का इत्र होएगा, और विशेष तरह की आप किताब पढ़ोगे, और इस तरह से आप रहोगे। ये जितना भी जो तरीका है, उसको लगता है कि ये मेरी पहचान है, जबकि अडोर्नो कहता है कि ये छद्म पहचान है, और ये छद्म पहचान मीडिया तय करता है, बाजार तय करता है, और ये मानकीकरण के द्वारा होता है, और इसी को कहते हैं ब्रांड मूल्य। और इसी के आधार पर ब्रांड अम्बेसडर के नाम पे कई लोग हमारे सामने आते हैं। इसलिए साहित्यिक कृतियों की जो अस्मिता है, वो भी बड़े छद्म किस्म की अस्मिताओं के ढांचे में जल जाती है, और बाजार और अकादमिक संस्थाएं, इनका अपना एक दबाव होता है, और वो साहित्य की स्वायत्तता पे साहित्य की स्वायत्तता को नियमित करती। साहित्य अपने लिए अपने स्वयं निर्णय नहीं कर सकता, बाहर की चीज़ें निर्णय करती है। आपके जो पुरस्कार होते हैं वो इस मानकीकरण को तय करते हैं, आपके आपकी चर्चा होती है तो आपका एक खास तरह का मानकीकरण बनता है, तो आप सोचते हैं कि इस तरह की भाषा में इस तरह के का जो लेखन होएगा वो बाजार में अधिक मांग करता है, तो इसलिए हमें उसके खिलाफ लिखना चाहिए या समर्थन में लिखना चाहिए। सत्ता के विरोध में लिखने का एक मानकीकरण हो गया, और उसमें से वो व्यक्ति चाहे जिस तरह का वो जीवन जीता हो, लेकिन उस मानकीकरण की धारणा के अनुरूप
एक विशेष प्रकार का अभिव्यक्त जो है वो साहित्य की अभिव्यक्ति करता है, और उसे लगता है कि ये जो अभिव्यक्ति है ये इस समय की मान्य अभिव्यक्ति है। इसलिए अडोर्नो कहता है कि ये सब मिलकर के सारी चीज़ें, संस्थाएं और एकेडमिक संस्थाएं और अखबार और रेडियो टेलीविज़न, ये सब मिला करके साहित्य की स्वायत्तता को बाधित करती है। इसलिए साहित्य अपने में स्वायत्त नहीं है। रचनाकार घर बैठा हुआ भी बाहरी चीज़ों के दबाव में लिखता है, वो अकेला होते हुए भी अकेला नहीं होता। इसलिए उसका जो चिंतन है या उसकी जो चेतना है वो स्वयं की चेतना नहीं है। इसलिए जो स्वायत्तता छद्म अस्मिताओं को जन्म देती है, और इसके मूल में ये अडोर्नो ने कहा कि बाजार ने जो ब्रांड की अवधारणा खड़ी की है कि ये मूल्य है, ये श्रेष्ठ मूल्य है, ये साहित्य में भी लागू होता है, और इसलिए साहित्य यथा स्थिति का समर्थन करता है। या जो विरोध वाला जो स्वर है, जो क्रांतिकारी स्वर है, वो एक तरह के मनोरंजक चीज़ों के में बदल जाता है, और आप उसमें हंसते मुस्कुराते और आनंद लेते हुए आप कला में चले जाते हैं, भले ही वो जो नायक है वो गुस्से में उबलता हुआ सा आपको दिखाई देता, क्योंकि वो एक सांचे में ढला हुआ क्रोध है और वो उस वास्तविक क्रांतिकारी चेतना को कुंद करता है। और इसलिए अडोर्नो कहता है कि साहित्य संस्कृति जो वर्तमान समय की है वो किसी तरह की कोई क्रांतिकारी भावना, कोई सामाजिक परिवर्तन की भावना पैदा नहीं करती। ये छद्म मनुष्यों की, छद्म पीड़ाओं की अभिव्यक्ति करती है, और ये छद्म के आवरण में उनको लगता है कि यही हमारी अस्मिता का एक वास्तविक रूप है। इसके लिए अडोर्नो ने निषेध मूलक द्वंद्वात्मकता का जिक्र किया कि हर जो समाज है वो आत्म संरक्षण के भाव में आता है, अनुकरण करता है, और सहमतिवाद की तरफ बढ़ता है। किन किन मुद्दों पर आपकी सहमति हो सकती है, और इसीलिए अडोर्नो ने अरस्तु के अनुकरण की धारणा को नए सिरे से हमारे सामने रखा, और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सभी समाजों में एक खास तरह का ढांचागत आत्म संरक्षण भाव होता है। इसलिए समाजों के व्यवहार पद्धतियों को अनुकरणात्मक ढांचे से जोड़ा जा सके। व्यवस्था स्थापित करने वाला जो सामाजिक तंत्र होता है, लोगों द्वारा उसका अनुकरण किया जाता है। इसका कारण है उसमें मौजूद आत्म संरक्षण की मूल प्रवृत्ति। उत्तर आधुनिक समाजों में ये प्रवृत्ति आज सत्ता के प्रति लोगों की सहमतियों की ढांचे में नज़र आती, और इस तरह से सत्ता के साथ सहमति का स्वर अधिक अधिक रूपों में हमारे सामने आता है, और जो विरोध करने वाले स्वर हैं उनको भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर ही दबा दिया जाता है, और वो एक तरह का अप्रासंगिक हो जाता है। हालांकि लोग सोचते हैं, लेखक लिखते समय कई बार इस भ्रम में रहता है कि हम कोई बड़ी सी नई सी मौलिक सी बात कह रहे हैं, कुछ परिवर्तन लाएगी, लेकिन वो चीज़ें ऐसे स्वीकृत होती है, ऐसे वातावरण के अंदर आपके आपके सामने आती है कि उसके भीतर का जो मूल तत्व है वो मूल तत्व एक बिकाऊ वस्तु के रूप में हमारे सामने आ जाता है, क्योंकि कुल मिलाकर के वो भी जो है वो एक ब्रांड का, या कहना चाहिए सामाजिक उत्पाद का एक रूप है, और वो उत्पाद उद्योग का उत्पाद है। इसलिए ये भाषा उत्पाद नहीं है जैसा संरचनावादी और दूसरे विचारक कहते हैं, क्योंकि ये समाजशास्त्री अर्थशास्त्री विचारक है और समाज को संपूर्ण ढांचे में अडोर्नो देखता है। इसलिए अडोर्नो ने कहा कि ये उद्योग का उत्पाद है, और ये उद्योग संस्कृति का उद्योग है, और सांस्कृतिक चीज़ें बहुत उत्पन्न करता है, नाटक करता है, सिनेमा करता है, उसी तरह साहित्य भी लिखता है, कविता भी लिखवाता है, और उसको पुरस्कार भी देता है, उस पर मंच भी उपलब्ध करता है, उस पर परिचर्चाएँ भी आयोजित करता है। तो सारी चीज़ें मिलकर के उस उद्योग में उस वस्तु की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण होती है, और वो कई बार ऐसा होता है कि उस छद्म साहित्य से सारा बाजार पट जाता है, और आपको ये निर्णय करने में बड़ा मुश्किल नज़र आती है कि कौन सी रचना वास्तव में सही। और इसलिए जो मौलिक उत्पाद होता है, मौलिक जो सृजना होती है, वो इन उत्पादों के नीचे दब जाती, और इसके कारण छद्म वस्तुएं आपको चारों तरफ दिखाई देती है, जिसे कहना चाहिए जो नकली नोट है वो असली नोटों पर हावी हो जाते हैं, असली जो है नकली लगने लगता है, और वो उनकी वो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर लुप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लेखक जो भी है वो कई वर्षों बाद पता चलता है कि इस ज़माने में वो लेखक महत्वपूर्ण था, हम जिसकी चर्चा कर रहे थे वो महत्वपूर्ण था ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो छद्म है बाजार का, वो छद्म जो है वो वास्तव को ढक लेता है। ये अडोर्नो की बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता। इसलिए अडोर्नो कहता है कि साहित्य की अंतर्वस्तु ही महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर्वस्तु जो भी हो, लेकिन वो जो अंतर्वस्तु है वो किस तरह से आगे बढ़ती है,
इसकी परिणति कैसे होती, इसकी व्याख्या कैसे होती है, और जिस दिशा में वो अंतर वस्तु आगे बढ़ करके एक अर्थ को सृजित करती है वो अर्थ महत्वपूर्ण है, और अर्थ के स्तर पर आकर वो अपने उत्पाद के रूप में हमारे सामने आता है, इसलिए उसमें समाज का एक संपूर्ण चित्र नहीं होता, संपूर्ण समाज के उस छद्म का चित्रण होता है, और हम उस छद्म को खरीदते हैं, छद्म को बेचते हैं, क्योंकि उसमें वास्तविक की अभिव्यक्ति होती नहीं, और इस कारण से कोई भी नया मौलिक विचार साहित्य में अभिव्यक्त नहीं हो पाता, और उसे अभिव्यक्त होने के लिए जो यथास्थितिवादी जो सहमतिवाद है, जिसको उन्होंने शब्द भी दिया सहमतिवाद, उस सहमतिवाद के घेरे के अंदर उसे आना चाहिए, सारे कष्टों के बावजूद, जिसे कहा जाता है कि अंत में नायक नायिका को मिलना चाहिए, तो अंत में जो नायक नायिका को मिलना है तो परिणति वहाँ आती और वो निश्चित है, और वो सहमति है कि सब झगड़े के बावजूद हमारा जो समाज है वो बिल्कुल ठीक चल रहा, और हमारे समाज में कोई ऐसी गड़बड़ियां नहीं है, इस निष्कर्ष की तरफ, सहमति की तरफ वो हमारा साहित्य और संस्कृति जाती है, जिसकी तरफ उन्होंने जिक्र किया। हमेशा अडोर्नो एक तरह से विवाद में रहे, अडोर्नो को संस्कृति कर्मियों ने भी अडोर्नो का विरोध किया, और जो परंपरागत मार्क्सवादी थे उन्होंने भी अडोर्नो का विरोध किया, हालांकि अडोर्नो ने किसी की परवाह नहीं की, वो अपनी मान्यताओं को लेकर के बहुत दृढ़ थे, इसलिए जो सोचते थे वही वो अभ्यक्त करते थे, और चूंकि उनका अनेक तरह के लोगों के साथ संपर्क था, अनेक विषय के विद्वानों के साथ में संपर्क था, इसलिए उनके अंदर कोई एक तरह की भावना नहीं थी, कोई अतिरंजनापूर्ण भावना नहीं थी, एक उन्होंने समग्र दृष्टि विकसित करने की कोशिश की, और अपने समय और समाज को समझ करके उसकी व्याख्या विश्लेषण करने की कोशिश की, और संस्कृति के विविध रूपों को, जिसमें साहित्य भी एक है, उसको अपने विशेष दर्शन के माध्यम से उन्होंने अभ्यक्त किया, और एक तरह से कहना चाहिए कि मनोविश्लेषण से लेकर के मनोविज्ञान से लेकर अस्तित्ववाद से लेकर के मार्क्सवाद से लेकर के और ये उत्तर संरचनावादी आधुनिकतावादी उत्तर आधुनिकतावादी सभी तरह के जो विचारक चिंतक उनके ज़माने में थे, और जर्मनी में उस समय बहुत वैचारिक रूप से उठा पटक का वातावरण था, उस वातावरण के बीच में अडोर्नो ने अपनी निश्चित दृष्टि को सामने रखा और साहित्य में उसे स्थापित किया, तथा एक निगेटिव डायलेक्टिज्म के माध्यम से अपनी बातें रखी, जिसका बहुत सारे लोगों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, हिंदी में भी अडोर्नो का नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है, तथा एक तरह का, चूंकि वो बहुत जटिल दार्शनिक है इसलिए उसको समझने में थोड़ी मुश्किल आती है, इस मुश्किलों के बावजूद अडोर्नो हमारे लिए एक आदरणीय और विचार प्रदान चिंतक विचारक हैं।